एसोसिएटेड माने ये तो हमारे फैमिली के हैं, समीर भाई माय वाइफ्स कजिन एंड वेरी गुड फ्रेंड आल्सो। एंड मैं यहाँ पे एक दो बार आ भी गया हूँ, लेकिन मैं दूसरी जगह जाता हूँ क्योंकि टाइम का है, लेकिन माय वाइफ कम्स हियर रेगुलरली एंड आई नो बिकॉज ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक एंड इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड ही इज़ अ लवली स्टाफ ओवर हियर। पहले मैं जिम जाया करती थी एंड आई यूज़ टू हेट इट। I used to hate gym because I found it very boring. And then I came to know there's something called Pilates, and Namrata and her dad Samir introduced me to Pilates, and I completely loved it. It's more on the core exercises, and it's pretty interesting to start with. Yeah. So, but it's not that easy. Not that it's interesting doesn't mean it's easy. They take our cases every day in the morning. 1 hour, we're sweating like anything. And but it's at the end of the day, it's pretty much fun. Well, I think formula is a healthy lifestyle. I also do Pilates. I enjoy it. It's great for your flexibility. And if you're doing a lot of work and have any injuries, तो इंजरी रिकवरी के लिए पिलाटीज इज एक्सलेंट। सबसे बड़ा राज है नम्रता के क्लासेस, क्योंकि आज हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, चौथी एनिवर्सरी। एंड आई थिंक पिलाटीज एक ऐसा वर्कआउट का फॉर्म है जो बहुत इजी है करने के लिए, जिम की तरह उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कसरत में। तो आई थिंक एक बहुत ही ईजी फॉर्म ऑफ वर्कआउट है जो यू नो किसी भी एज ग्रुप और किसी भी प्रोफेशन की लड़कियों लड़कों के लिए बहुत ईजी है। मेरे नी में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं जिम कम जाया कर रही थी, तो मुझे पिलाटीज़ का ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यू नो उतना ज़्यादा रिग्रेस नहीं है और साथ में आपका वेट लॉस होता है एंड यू नो यू रिमेन फिट। सो आई लव डूइंग पिलाटीज़ विद नम्रता। वेल, मैं बहुत बधाई दूंगा। पिलाटीज़ ये एक ऐसा एक एक्सरसाइज रेजिम है जो बना है उन लोगों के लिए जो इंजर्ड हैं या जो बहुत सही मायनों में अपना बॉडी अपनी बॉडी को यू नो बैलेंस में लेके आना चाहते हैं। सो इट्स इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच जो पिलाटिस के जो जिन्होंने ईजाद की थी वो खुद इंजर्ड थे, तो जिस तरह से उन्होंने मशीन्स बनाई है, जिस तरह से उन्होंने पूरा जो कॉन्ट्रैप्शन किया है कि मूवमेंट बहुत ही कम होता है, ज़्यादा दिखाने के लिए चीज़ें नहीं होती है, बट द इफ़ेक्ट मूवमेंट चाहे छोटा भी हो लेकिन अगर ध्यान देकर अगर आप करते हो तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत ही, उसका जो परिणाम मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सक्सेसफुल होता है और बहुत ही सेफ़ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट वे टू काइंड ऑफ एक्सरसाइज।